हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आई रियली होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा TCS में सेलेक्शन कैसे हुआ एंड इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था एंड TCS का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मैंने पूरे एक साल TCS में काम किए हैं एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो लोग अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि TCS ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे BCom, BA, इन सारे बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि वो लोग को TCS ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं TCS ज्वाइन करने के। सो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक BCom ग्रेजुएट थी जब TCS का मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आया था, तो मैंने ऐसे ही बस अप्लाई कर दिया था। उसके बाद जैसे TCS का एग्ज़ाम होता है, मैंने TCS का एग्ज़ाम दिया एंड देन TCS का एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे मेल आया इंटरव्यू का। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो जब इंटरव्यू हुआ तो वो लोगों ने मुझसे, जैसे मैंने बताया मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट थी, तो उन्होंने मुझसे बेसिक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के बारे में पूछा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PNL क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो सारी चीज़ों के बारे में पूछा। देन सेकेंड उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चंस या लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, ये चेक करने के लिए कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। उसके बाद कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड देन लास्टली TCS के बारे में पूछा कि कंपनी आपको पता है क्या करती है क्या नहीं करती है। सो अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ों पे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर आप डिटेल इंटरव्यू क्वेश्चंस जानने में इंटरेस्टेड हैं या आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इंटरव्यू क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया ये सारी क्वेश्चंस पूछी, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी किए एंड देन इंटरव्यू के बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया। तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए मेल भेजते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड होते हैं जिसमें आपको रिप्लाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ एंड देन उसके बाद मेरा ऑफर लेटर आ गया। तो ऑफर लेटर आ गया, उसके एक से दो वीक के बाद हमारी ऑनबोर्डिंग हुई एंड हमारा एक महीने का ट्रेनिंग हुआ। ठीक है, फिर हमारे एक महीने की ट्रेनिंग हुई एंड देन उसके बाद हमें वर्क असाइन किया गया। तो वर्क असाइन में क्या होता है कि आप, जैसे मैं कॉमर्स से थी तो मुझे वैसी काम असाइन हुआ, तो वहाँ पे मुझे काम ये करना पड़ता था कि जो भी फाइनेंशियल डेटा थे उनको वेरीफाई करना पड़ता था, उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थी उनको गैदर करना पड़ता था एंड जो भी मार्केट अपडेट होती थी उससे अपडेटेड रहना पड़ता था। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना पड़ता था कि जो भी डेटा थे, सोर्स डेटा थे, उससे मुझे आउटपुट निकाल के जो भी एप्लीकेशन था या सोर्स था उसमें मुझे इनपुट करना पड़ता था। सो ये, जैसे मैंने बताया, फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम मैं यहाँ पे करती थी। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो वो लोग आपको एक कोई एंटिटी की फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं, आपको उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे कि किसी का इनकम कितना है या एक्सपेंस कितना है, उससे आपको नंबर्स एक्सट्रैक्ट करके उनको एक प्री डिफाइंड जो एप्लीकेशन रहता है उसमें आपको इनपुट करना पड़ता है एंड उनकी इनकम स्टेटमेंट समरी बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितनी लॉस हो रही है, कितना एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो भी BCom ग्रेजुएट हैं, अगर आप TCS ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो भी काम था वो शिफ्ट में होता था, आपकी शिफ्ट होती थी, वो भी एक वीक की, पूरे एक वीक आपको अगर 11 से 10 काम करना पड़ रहा है, दूसरे वीक आपको रात में काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे वीकली आपकी शिफ्ट वाइज होती थी। तो यहाँ पे आपको जो भी टीम आपको असाइन होती थी वो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के
ट्रायल बैलेंस देते थे और आपको सब कुछ उससे काम करना पड़ता था। तो बेसिकली मैंने एक साल यही काम किया है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के ट्रायल बैलेंस से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है डाटा और प्रीडिफाइंड जो भी टूल्स एप्लीकेशन थे उसमें मैंने इनपुट किया है। ऑल्सो जब मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था तो मैंने एक साल पूरा कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम किया था क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था और सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो मैंने भी वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया था। सो मैंने एक भी बार ऑफिस से काम नहीं किया, मैंने पूरे एक साल वर्क फ्रॉम होम किया और पूरे एक साल में मैंने फाइनेंशियल डेटा, इनकम स्टेटमेंट और यही सारी चीज़ों पे काम किया है। सो अगर आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड वो अपना करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। बात करें मैंने अपने एक साल में क्या सीखा, तो मैंने बहुत सारी लर्निंग हासिल की है, बहुत सारे नए नए चीज़ें को सीखा है, बहुत ही अपने आप को इवॉल्व किया है क्योंकि ये कोई आपकी स्किल्स से रिलेटेड काम नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। आपको बस थ्योरेटिकली अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, पीएनएल की, इनकम स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सब की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसी के बेसिस पे काम करोगे। आपको यहाँ पे लर्निंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकी आपकी स्किल्स पे वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आपको बेसिक अपने, जैसा मैंने बताया, आपको अपने स्ट्रीम का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे एज ए लर्निंग के लिए ज्वाइन करेंगे लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपकी स्किल्स भी इन्हांस होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड बात करते हैं उन लोगों के लिए कि क्या आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें थोड़ी बहुत चैलेंजेस हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको नाइट शिफ्ट में काम करने में दिक्कत होती है। सो मैंने टीसीएस इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे नाइट शिफ्ट नहीं हो रहा था, रात में 11 से 4 5 बजे तक जगना मुझसे नहीं हो रहा था। एंड बात करें सैलरी की तो स्टार्टिंग में इनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप थोड़ी सी सैलरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बाद में आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइट शिफ्ट करने में एंड इनकी सैलरी कम होती है रात के शिफ्ट में काम करने से, 200 या 250 पर डे इनकी नाइट शिफ्ट की रहती थी। सो जैसे मैंने बताया ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नाइट शिफ्ट में, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड जिनको सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑल्सो टीसीएस एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, सो बहुत सारे लोग इस ब्रांड जो है टीसीएस टाटा उसके लिए भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। ऑल्सो इट्स लाइक अ गवर्नमेंट टाइप ऑफ जॉब, इसमें जॉब की सिक्योरिटी होती है। अगर आप इसको टीसीएस ज्वाइन करते हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपका जॉब सिक्योर है, आप भले ही 15,000 कमा रहे हो लेकिन आप महीने में हमेशा आपके पास वो सैलरी आती रहेगी एंड यहाँ पे आपका जॉब सिक्योर रहेगा और आपके यहाँ पे जो करियर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से होगी। ऑल्सो जैसे मैंने बताया नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए अपने करियर की स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, एज इन फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेरे हिसाब से उतना कुछ खास नहीं रहता है, सो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड आपको चैलेंजेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया जो शिफ्ट टाइमिंग होती है वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, मुझे पर्सनली उससे प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने उसको छोड़ा। तो अब यहाँ ये आपको चैलेंजेस हो सकती है शिफ्ट की, वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है पीक टाइम में एंड रिपीटेटिव टास्क होता है। जैसे मैंने बताया मैंने पूरे एक साल क्लाइंट्स के इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट को ही चेक किया, तो ये रिपीटेटिव टास्क समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग होने लगते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस कुछ आपको आ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया वो सारे लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं एंड जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है टीसीएस ज्वाइन करना। अब चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या इवन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं एंड आपको जैसा मैंने चैलेंजेस और बेनिफिट्स बताया उसके हिसाब से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको डेफिनेटली टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए।
क्योंकि ये आपके करियर ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप आगे जाके कंपनी स्विच करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेज के साथ ज्वाइनिंग मिलेगी। एंड लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ सही, तो वैसा ही है कि अगर आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप TCS ज्वाइन कर लो। आपकी स्किल एनहांसमेंट होगी, ट्रेनिंग्स मिलेंगे एंड आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे आपको मोटिवेटेड फील होगा एंड आप काम करके कुछ अच्छी कंपनी में स्विच कर सकते हो या यहाँ पे अपना करियर का ग्रोथ कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।